नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी नर्सिंग केयर क्लब की ऑनलाइन सेक्शन में। दोस्तों, आज हम हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर इकाई नंबर एक पढ़ेंगे, जो है अस्पताल फ्रंट डेस्क समन्वय सिद्धांत और कार्य। अस्पताल जो फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर होता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जब अस्पताल में एक मरीज आता है फर्स्ट बार, तो कैसे उसका हमें समन्वय करते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल रखे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब कार्य सूची, पहला है अस्पताल फ्रंट डेस्क की परिचय, जो कि स्लाइड नंबर 5 पर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा है निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधन, जो स्लाइड नंबर 6 से 9 पर हम लोग देखेंगे। तीसरा, रिपोर्ट वितरण प्रक्रिया, कि कैसे एक रिपोर्ट प्रक्रिया तैयार किया जाता है, जो स्लाइड नंबर 11 पर हम लोग पढ़ेंगे। चौथा है सकारात्मक व्यक्तिगत छवि पेश कैसे किया जाता है, जो स्लाइड नंबर 12 पर हम लोग पढ़ेंगे। पांचवा है गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया की परिभाषा क्या होती है, जो स्लाइड नंबर 13 पर हम पढ़ेंगे। छठा है भारी रोगी विभाग प्रबंधन कैसे देखे जाते हैं, स्लाइड नंबर 15 से 18 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। सातवा है आंतरिक रोगी विभाग प्रबंधन कैसे किया जाता है, जो स्लाइड नंबर 19 से 21 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम आठ व्यास जो प्रश्न है वो 10, 14 और 22 स्लाइड पर देखेंगे। अब है अस्पताल फ्रंट डेस्क के परिचय। एक अस्पताल फ्रंट डेस्क वर्कर होता है, जब आप आते हो अस्पताल के बारे में जानना चाहते हो, उससे पहले अपने आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर का कोर्स क्या होता है, कैसे हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोर्स की का क्या क्या सिद्धांत होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। अस्पताल फ्रंट डेस्क समन्वय सुविधाओं के प्रशासनिक कर्तव्य की देखरेख करता है। जो अस्पताल फ्रंट डेस्क समन्वय होता है, वो क्या करता है, सुविधाओं के साथ प्रशासनिक जो कर्तव्य हैं उनके कर्तव्य की वो देखरेख करता है। वह पंजीकरण और चेकआउट प्रक्रिया के माध्यम से रोगियों को स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार होता है। अस्पताल फ्रंट डेस्क जो वर्कर होता है, मरीज जब से एडमिट होता है तब से लेके डिस्चार्ज होता है तब तक उस प्रक्रियाओं का वो रोगी के साथ समन्वय बनाए रखता है, उसकी एक जिम्मेदारी होती है। हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को कोऑर्डिनेटर यह सुनिश्चित करता है कि सही मरीज की फाइलों को खींचने से लेकर बीमा जानकारी तैयार करने तक सभी प्रक्रियाओं के बारीकी से पालन किया जाए। जो भी मरीज की फाइल को तैयार की जाती है, बीमा कंपनियों द्वारा जो बीमा किया जाता है, सब सारी प्रक्रियाएं, मरीज एडमिट होता है, उसका डिस्चार्ज होता है, और मरीज की जो लेब की जांचें होती है, पर्चियां कटती है, उससे देख रहे एक डॉक्टर की विजिट का टाइम क्या होता है, टाइमिंग कब दिया जाता है, ये सारी प्रक्रियाएं एक अस्पताल फ्रंट डेस्क ही करता है। मरीज की भलाई पर ध्यान केंद्रित कर सकते करें। अस्पताल फ्रंट डेस्क समन्वय में मरीजों के कर्मियों के साथ बातचीत करता है। जो अस्पताल समन्वय में अस्पताल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर में मरीजों के साथ बातचीत करता है और जरूरत पड़ने पर मरीज क्षेत्र में मदद करता है, और मरीजों की जरूरत होती है वहाँ पे सहायता बहुत जरूरी करता है। वह विभिन्न हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चालित करने में सक्षम होगी। वे विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर को, जो एप्लीकेशन होती है, उनके फॉलो करती है और उनको सही तरीके से सुनिश्चित करती है। वह एक चिकित्सा आपदा स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक बुनियादी कौशल, बुनियादी जीवन समर्थन और प्राथमिक चिकित्सा विकसित करेंगे। जैसे ही आप अस्पताल में आते हैं, आपातकालीन स्थिति में भी आते हैं, या बुनियादी कौशल तरीके से भी आते हैं, नॉर्मल तरीके से भी आते हैं, तो वो हर प्रकार से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार होता है। कोर्स पूरा होने के बाद छात्रों को हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और पूरे भारत में प्लेसमेंट के आसान अवसर मिलता है। जब आप ये कोर्स करने आते हो तो ये पाठ्यक्रम आपको सिखाया जाता है, इसका ज्ञान आपको दिया जाता है। जैसे ज्ञान पूरा होने के बाद में आपका एग्जाम लगता है, एग्जाम होने के बाद में आपका एक सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट आने के बाद में आपको जॉब प्लेसमेंट करवाया जाता है। जॉब प्लेसमेंट के साथ साथ ही आपको फिर जॉब पे भेजा जाता है, जहाँ जाके अपना कार्य प्रदर्शन करना होता है। अब निवारक स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रबंधन क्या होता है, कैसे हमें प्रबंधन करना है, कार्यक्रम कैसे तैयार करना है। एक अस्पताल फ्रंट डेस्क को जब मरीज आता है, तो उसमें क्या क्या उसको कार्य प्रबंधन किया जाता है। पहला है रोगी और अन्य व्यक्तियों के साथ संवाद करने में दिशा निर्देश। जो भी एक मरीज और अन्य व्यक्ति जो उसके साथ आया, उसकी सारी प्रक्रियाएं, अस्पताल की सारी प्रक्रियाएं समझाए एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क द्वारा समझाया जाता है। दूसरा है गोपनीयता बनाए रखने और गोपनीयता की आवश्यकता का सामान करने पर दिशा निर्देश। मरीज की गोपनीयता बनाए रखें और गोपनीयता की आवश्यकता होती है, वहां सम्मानपूर्वक उसका दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए।
तीसरा है संगठन के व्यवसाय, जो संगठन है संगठन में कम्युनिटी में काम करना चाहिए, जो आपका मिशन है उस मिशन का पूरा प्रॉपर तरीके से कार्य करे और उद्देश्य उसका उद्देश्य लेकर कार्य करना चाहिए। चौथा है भूमिका के कार्य द्वारा दायर, जो भी आप भूमिका दायर कर रहे हैं उसकी अच्छी तरह से देख रेख करनी चाहिए। पांचवा टीम की जिम्मेदारियों, ताकत और संगठन के लिए एक उनका महत्व, जो भी टीम की जिम्मेदारियां हैं जो भी ताकत संगठन है उसके साथ एक महत्वता के साथ कार्य करना चाहिए। छठा वह जानकारी जिसे संगठन के लिए गोपनीय माना जाता है, जो भी जानकारी है आप उसे गोपनीयता बनाए रखें, मरीज के साथ क्या भी हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मरीज का बिल कितना बना है, सारी गोपनीयता आपके ऊपर होनी चाहिए। अस्पताल में जो भी चीज़ें हैं उसकी गोपनीयता आपको होनी चाहिए। सातवां है टीम के बाहर के लोगों के साथ प्रभावित कामकाजी संबंध, जिसके साथ नियमित आधार पर व्यक्तिगत कार्य करना। टीम के बाहर के जो लोग हैं उनके साथ भी हमें कम्युनिटी बनाए रखना है और उनकी काम काम के जो कागज कार्रवाई है उसके का संबंध करके उनको नियमित आधार पर उनको व्यक्तिगत कार्यों में बांटना चाहिए। आठवां है संघर्ष और खराब कामकाजी संबंध से निपटने के लिए संगठन प्रक्रिया अपनाना, जो भी आप संघर्ष और खराब कामकाजी का संबंध है उसे निपटने के लिए संगठन प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। नौवां है संगठन और प्रशासनिक नीतियां और प्रक्रिया अपनाएं, जो भी संगठन और प्रशासनिक नीतियां हैं उस प्रक्रियाओं को अपनाना चाहिए। दसवां प्रभावी ढंग से संवाद कैसे करें, प्रभावी ढंग से संवाद करना चाहिए आमने सामने टेलीफोन द्वारा लिखित रूप में, जो भी आप समन्वय कर रहे हो एक मरीज के साथ समन्वय कर रहे हो या तो टेलीफोन पे उसको समझाना चाहिए, आमने सामने बैठा कर उसको अच्छी तरह या लिखित रूप में आप उसे समझा सकते हैं। ग्यारहवा है रोगी और अन्य अन्य लोगों के साथ संवाद करते समय तनावपूर्ण या जोखिम भरी स्थितियों से कैसे निपटे व्यक्तियों को कम करना चाहिए। रोगियों के लिए और अन्य लोगों के साथ संवाद करके भी तनावपूर्ण जोखिम को दूर रहना चाहिए, निपटने की कोशिश करना चाहिए एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क वर्कर को। 12 जब परिस्थितियां समता और अधिकार से परे हो तो सहायता के लिए कब पूछे, जब परिस्थितियां समता से अधिक हो जाएं या अधिकार से अधिक होता है तो हमें बड़े जो सीनियर हैं उनसे सहायता लेनी चाहिए। 13वां है गोपनीय कैसे बनाए रखें और किस का सम्मान करने के लिए गोपनीयता का आवश्यकता है, हर मरीज की हमें गोपनीयता बनाए रखनी चाहिए और उस व्यक्ति के सम्मान करना चाहिए और मरीज को हर चीज प्रकार की हेल्प करनी चाहिए। 14वां है कैसे सुनिश्चित करें कि व्यक्ति प्रदान की गई सभी जानकारी विश्वसनीय स्रोत से हैं, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कि मरीज को लगे कि हमारा जो कार्य बताया गया है, हमें जो अस्पताल के बारे में बताया गया है वो परफेक्ट रूप से बिल्कुल सही है, हमारे जो चीज़ें बताई जाती है वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, यही चीज़ हमारे कार्य लागू होते हैं। 15वां है अधिकृत व्यक्तियों को किसी भी जानकारी का प्रकटीकरण अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन होगा और संभावित समाप्त करने चाहिए, जो भी व्यक्तिगत जानकारी है या प्रकटीकरण अनुशासन है उसको कार्रवाई तरीके से हमें काम करना चाहिए। 16वां है आवश्यक जानकारी जिसे अन्य लोगों के साथ साझा करने की आवश्यकता होती है, जो भी आवश्यकता है आपकी जानकारी या आपके जो नॉलेज में है उसके साथ साझा करना चाहिए, उसे बताना चाहिए कि हमारे अस्पताल में ये होता है, ये डॉक्टर बैठते हैं, सर्जरी वाले डॉक्टर बैठते हैं, गायनिक मैडम बैठती है, जो भी मरीज को पूछना सवाल पूछता है उसका आंसर हमें देना चाहिए। 17वां है प्रभावी कामकाजी से संबंधों का महत्व और यह कैसे योगदान दे सकता है, दिन प्रतिदिन के आधार पर प्रभावी कामकाजी संबंध रखना चाहिए, जो भी आपको कार्य दिया गया है उस कार्य योगदान के साथ अपना कार्य करना चाहिए और दिन प्रतिदिन के आधार पर उस काम को पूरा करना चाहिए। 18वां दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने वाले को एकीकृत करने का महत्व कार्य करना चाहिए, जो आपके साथ काम कर रहा है उस व्यक्ति को भी साथ लेते हुए अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। 19वां काम करने वाले रिश्तों के प्रकार, जो लोगों को एक साथ अच्छी तरह से काम करने में मदद करते हैं और एक प्रकार ऐसे रिश्ते जिनसे बचने की जरूरत होती है। कुछ व्यक्ति होते हैं जो अस्पताल में आके उड़दंग वगैरह करते हैं, तो उन व्यक्तियों को भी हमें संतुष्टपूर्ण जवाब देना चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए ताकि इन प्रक्रियाओं को होने वाले अस्पताल को नुकसान से बचाया जा सके। 20वां है एक व्यक्ति दूसरे के साथ संबंध सुधारने के लिए किस प्रकार के अवसरों की तलाश कर सकता है, इसके बारे में उसे बताना चाहिए। एक व्यक्ति के साथ संबंध करके दूसरे व्यक्ति के साथ उस जो भी हमारा कार्य है उसको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से अच्छा बनाने के लिए कार्य करना चाहिए। 21वां अन्य लोगों के साथ कठिन कामकाजी संबंधों को सुलझाने के लिए कैसे निपटें, जो भी लोग हैं आपके साथ कार्य कर रहे हो उनके साथ संबंध बना के उनके सुलझाने का जो भी कार्य है उसको अच्छी तरह से प्रॉपर तरीके से करना चाहिए। 22वां आवश्यकता पड़ने पर उपयुक्त व्यक्ति से मदद मांगने का महत्व,
अगर आपको आवश्यकता है तो दूसरे व्यक्ति की आप हेल्प ले सकते हो हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क के अंदर। 23वां, योजना बनाना, प्राथमिकता देना और व्यवस्थित करने समय पर काम करने का महत्व है। पर सबसे पहले अपनी योजना बनाना चाहिए, फिर उसमें प्राथमिकता देना चाहिए, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना चाहिए अपने कार्य को, और व्यवस्थित होकर के समय पर काम करना चाहिए एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क वर्कर को। 24वां है, कार्य आवश्यकता को स्पष्ट रूप से स्थापित करना का महत्व। जो भी आप कार्य कर रहे हो, आवश्यकता को स्पष्ट रूप से कार्य करना चाहिए। 25वां, महत्व तात्विका होने पर प्राथमिकताओं को बदलने से लचीला होने का महत्व खिलने के लिए आता है। एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को लचीलापन नहीं दिखाना चाहिए, जो भी कार्य कर रहा है उसे फूर्ति से कार्य करना चाहिए। अभ्यास प्रश्न फर्स्ट, अस्पताल फ्रंट डेस्क समन्वय को मरीज के साथ क्या क्या कार्य करना चाहिए। जैसे अभी हमने पढ़ा, क्या क्या कार्य करना चाहिए, अपनी योजना बनाना चाहिए, प्राथमिकता देनी चाहिए, व्यवस्थित कर समय पर काम करना चाहिए, उपरोक्त सभी सारे काम हमें करने चाहिए। रिपोर्ट वितरण प्रक्रिया, अब कैसे हमें रिपोर्ट वितरण प्रक्रिया अपनानी चाहिए, कैसे एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क वर्कर रिपोर्ट तैयार करेगा, उसका वितरण करेगा, इसकी प्रक्रिया हम आज जानेंगे। अंतिम और यकीन सबसे महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रक्रिया का चरण डिलीवरी है। यदि आप कोई कार्य कर रहे हो, उसका अंतिम चरण जो होता है वो है डिलीवरी। हम जो भी मरीज की फाइल तैयार कर रहे हैं, उसको हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क में हमने जो रिसेप्शन पे फाइल तैयार की, उसको कहाँ वार्ड में या आईसीयू में जहाँ भी है वहाँ पे डिलीवर करने चाहिए। यदि किसी उपयोगिता के रिपोर्ट की आवश्यकता होने पर उसे देखने योग्य प्रारूप में प्राप्त नहीं होता है तो संपूर्ण विकास प्रक्रिया व्यर्थ थी। यानी जो भी आप कार्य कर रहे हो, अगर अधूरी आपने फाइल तैयार की है, उसको पूरी नहीं करने पर आपकी फाइल बिल्कुल व्यर्थ मानी जाएगी। इन सॉफ्ट की स्टाइल इंजन एकीकृत संग्रह, समय आधारित शेड्यूलर, डेटा आधारित अलर्ट अधिसूचना, डैशबोर्ड, विभिन्न नियत प्रारूप और रिपोर्ट वेस्टिंग प्रदान करती है। जो भी आप इन सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, उसमें इंस्टॉलेशन होनी चाहिए संग्रहण का, समय समय पर आधारित शेड्यूल बनाना चाहिए, डाटा आधारित अलर्ट को अधिसूचना करना चाहिए, डैशबोर्ड को तैयार करना चाहिए, और फाइल रिपोर्ट जो रिपोर्ट है हमारी उसको तैयार करके हमें वार्ड में भेजना होता है। इनमें से प्रत्येक विशेष प्रशासनिक कर्मचारियों से बोझ हटाकर दक्षता बढ़ाती है। जो भी आप कार्य कर रहे हो, इससे क्या होगा, हमारे MRD डिपार्टमेंट में इसका बोझ नहीं होगा और अच्छी तरह हम कार्य कर पाएंगे। अब जो सकारात्मक व्यक्ति छवि होती है वो कौन कौन थी, फास्ट पॉजिटिव, फ्यूचर और फास्ट नेगेटिव। फास्ट पॉजिटिव में ये होता है कि हमें कौन सा कार्य पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। फ्यूचर, हमें सबसे पहले जो कार्य करना है पहले उसको फिनिश करना है, उसके बाद में दूसरे कार्य को स्टार्ट करना है। पास्ट नेगेटिव, नेगेटिव सोच कभी नहीं रखनी चाहिए, मैं पॉजिटिव को ही हैंड ओवर करनी चाहिए। और गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया की परिभाषा क्या होती है, हमें क्या क्या गुणवत्ता अपनी सुधार करनी चाहिए उसके फ्रंट डेस्क के अंदर, इसके परिभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। गुणवत्ता में सुधार से तात्पर्य किसी कंपनी के बारे में सब कुछ, विशेष रूप से इसकी उत्पादन प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए किसी के संयुक्त और निरंतर प्रयासों से है। जो भी हम गुणवत्ता में सुधार का तात्पर्य है कि जिस कंपनी में हम कार्य कर रहे हैं उसकी उत्पादन प्रक्रिया को हमें जानना जरूरी है। वहाँ के अस्पताल फ्रंट डेस्क के कोऑर्डिनेटर को पता होना चाहिए कि कौन से हॉस्पिटल में, कौन से OPD चैम्बर में कौन सा डॉक्टर बैठता है, किसकी फाइल किसके नाम से बनेगी, ये सब कुछ उसकी प्रक्रिया में पता होना चाहिए। यह उत्पादन प्रक्रिया में पुण्य विक्रय, अपशिष्ट और हानि को समाप्त करने या कम करने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण है। जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उत्पादन प्रक्रिया कर रहे हैं, उनको पुण्य विक्रय करिए, अपशिष्ट कीजिए और हानियों को समाप्त, जो आपसे हानि हो रही है उसको सही तरीके से काम करना चाहिए। सीधे शब्दों में कई गुणवत्ता सुधार QI उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के तरीकों संदर्भ में करता है। जो भी आप कार्य करते हो, गुणवत्ता सुधार करिए, अपने IQ लेवल को बढ़ाना चाहिए। IQ लेवल अच्छा रहेगा तो हमारा कार्य अच्छा होगा। इस प्रक्रिया के उन हिस्सों को छुटकारा पाने या बदलने की आवश्यकता है जो बेहतर तरीके से काम नहीं करता हो। इस प्रक्रिया वह प्रक्रिया जो छुटकारा पा सकते हैं जो हम बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाते, ऐसे व्यक्तियों को काम नहीं करना चाहिए। निर्माण में उदाहरण के लिए शब्द लगभग हमेशा उत्पादन प्रक्रिया को संदर्भित करता है। निर्माण के लिए हम जानते हैं, जैसे उदाहरण के लिए सबसे अपना है वर्ड। वर्ड मतलब हमारी बोलचाल, एक मरीज के साथ कैसी बोलचाल होनी चाहिए, कैसे हमें मरीज के साथ बातचीत करनी चाहिए, हमारा हाव भाव है बिल्कुल सरलपूर्ण होना चाहिए, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी है,
हालांकि प्रबंधन के आईक्यू के लिए किसी कंपनी या संगठन किसी भी हिस्से भी लक्षित कर सकता है। जो भी आप कार्य आपका आईक्यू है उस कंपनी और संगठन पे निर्भर करता है कि आप किस प्रकार उस कार्य को कर सकते हैं। गुणवत्ता सुधार के लिए कई अलग अलग तरीके हैं। वे लोगों के आधार पर सुधार प्रक्रिया में सुधार उत्पादन सुधार को कवर करता है और ये उधार कर सकता है। अब गुणवत्ता सुधार आईक्यू उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के तरीकों में किन बातों को ध्यान रखना होता है। अब जो आईक्यू सुधार के लिए हम आईक्यू को सुधार सकते हैं वो क्या क्या चीज़ें हमें जरूरी होती है। पहला है पुनः विक्रय करना चाहिए, अपशिष्ट को दूर करना चाहिए, हानियों को समाप्त करना चाहिए, उपरोक्त सभी। पुनः विक्रय जो कार्य कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से करना चाहिए। अपशिष्ट जो हमारे द्वारा किया गया अपशिष्ट कार्य है उसको पूर्ण रूप से सही बनाना चाहिए। जो हमारे से हो रही हानि या हमारे से त्रुटियां हो रही उसको सही तरीके से सही करना चाहिए। तो हमारा आईक्यू बढ़ाने के लिए सबसे परफेक्ट है उपरोक्त सभी तीनों को सही तरीके से करना चाहिए। अब है भारी रोग विभाग प्रबंधन। हमें जो ओपीडी होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, जिसमें मरीज आता है दिखाता है डॉक्टर को और घर चला जाता है, तो उसमें एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। वो कैसे एक ओपीडी पेशेंट को दिखा सकता है, कैसे उनके चरण हम जानेंगे। पहला है हमें रोगी के हमारे स्वास्थ्य देखभाल संगठन में आने के 5 से 7 मिनट के भीतर उपस्थित होना है। जो मरीज हमारे को डॉक्टर को दिखाने आया है उसको 5 से 7 मिनट के अंदर ही उसकी उपस्थिति दिखानी जरूरी है। हमें थोड़ी देर के लिए उसको वेट कराना होता है। दूसरा चरण, यदि रोगी विकलांग है या चलने में सक्षम नहीं है तो हमें वार्ड बॉय या रोगी परिचारक की सहायता से रोगी को व्हीलचेयर प्रदान करनी होगी। यदि कोई व्यक्ति विकलांग है उसको चलने के लिए एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को एक वार्ड बॉय को उपस्थित करनी है और उसे व्हीलचेयर के सहारे उसको मरीज को ओपीडी में लेके जाना है। चरण तीसरा, उपरोक्त कार्य रोगी के समान कार्यालय के कार्यकारी द्वारा उपस्थित होने के बाद 3 से 4 मिनट के भीतर किया जाता है। जो भी आप कार्य कर रहे हो उसके कार्यालय के अंदर 3 से 4 मिनट के अंदर मरीज को दिखा देना चाहिए। चरण चौथा, यदि रोगी का आपने उपचार का पिछला इतिहास रहा है तो उसे पिछली पिछली उपचार फाइल के लिए कहें और उसे लंबी में बटने के लिए कहें। यदि मरीज ने पहले कोई बीमारी है या कोई उपचार करवा है उसकी फाइल हमें इकट्ठी करनी है और पूरी प्रक्रिया जो डॉक्टर की प्रिपरेशन है, पर्ची है और जो पुरानी रिपोर्टें हैं, जो नई रिपोर्टें हैं, सबको एक जगह रख के उसको लॉबी में बैठने के लिए कह देना चाहिए। टिप्पणी, जब भी हम किसी क्लाइंट या मरीज रिश्तेदार से बात करते हैं तो हमें बहुत शांत रहना पड़ता है। जो भी आप मरीज या मरीज के साथ वाले से बातचीत कर रहे हैं हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को शांतिपूर्ण रूप से बात करनी चाहिए। हमेशा मुस्कुराते हुए चेहरे को बनाए रखें क्योंकि मैं फ्रंट ऑफिस के कार्यकारी हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें मुस्कुराते हुए हमने को आंसर देना है जो मरीज या मरीज के रिश्तेदार जो हमसे पूछते हैं। जब भी हम रोगी और रिश्तेदार के साथ बातचीत करते तो हमें आवाज़ की पिच को बनाए रखना है। जिससे मरीज या रिश्तेदार से बातचीत करें तो हमें स्लो मोशन में आवाज़ वॉइस करनी चाहिए। चरण पाँच, रोगी को से रेफर पर्ची के लिए पूछें। यदि रोगी WCL या रेमेंड या किसी भी कंपनी से हैं, यदि रोगी रेफर होके आया है कहीं से या लांबा रेफर या लांबा कार्ड उस मरीज से लेना चाहिए। हमें ध्यान रखना होगा कि संबंधित कंपनी हमारे से सुवर्ध हो, यानी कि जो भी कार्य है वो संपूर्ण रूप से वो सही प्रकार से होनी चाहिए। चरण छः, हमें उन्हें नाम, पता, आयु, टेलीफोन नंबर यानी हमारी ओपीडी फॉर्म के अनुसार सभी विवरण के साथ ओपीडी रजिस्टर में पंजीकृत करने चाहिए। अब एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को मरीज का नाम लिखना होता है, उसका पता लिखना होता है, उसकी आयु लिखनी होती है, उसके मोबाइल नंबर लिखने होते हैं और ओपीडी फॉर्म जो होता है उसे पूर्ण रूप से भर के उसका ओपीडी रजिस्टर करके हमें ओपीडी कार्ड डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। चरण छः, हमें रोगियों पंजीकृत सुलेख लेना होगा। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें एक सुलेख होता है, अस्पताल में एक सुलेख लिया जाता है जिसे मरीज में जमा कराता है। 6B, हम रोगी को रसीद देनी होती है और जो हमने मरीज से पैसा लिया है, जो पैसा लेते हैं उसके बाद में हमें क्या करना चाहिए, एक उसे रसीद के रूप में हमें रसीद देनी चाहिए। C, हमें अपने सॉफ्टवेयर पर भी मरीज को रजिस्टर करना होगा।
हम जो ओपीडी कार्ड बना रहे हैं वो हमें ऑनलाइन भी पोर्टल पे चढ़ाना होना चाहिए। चरण सात, रजिस्ट्रेशन से समय की गणना करके और डॉक्टर के साथ समन्वय करके हमें रोगी की अनुमानित प्रतीक्षा समय बताना होती है। जो मरीज हमें ओपीडी में आया है उसके हमने पर्ची काटने के बाद में उसे एक टाइम दिया जाता है कि इस समय आपको डॉक्टर को दिखाना है। एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को ये बताना चाहिए कि जब आपका वेटिंग एरिया में बैठिए, जब आपका नंबर आएगा हम आपको बुला लेंगे, आप लॉबी में जाके बैठ जाइए। यानी उन्हें अपनी बारी आने के लिए कितने समय तक इंतज़ार करना पड़ता है इसके बारे में बताना चाहिए। हमें मरीज को उसकी ओपीडी नंबर, संबंधित डॉक्टर का नाम भी बताना होगा। जो मरीज की ओपीडी नंबर है वो भी बताना है और डॉक्टर का नाम भी बताना है कि आप ये डॉक्टर को दिखा दो, ये जो प्रॉब्लम है वो डॉक्टर उसके सॉल्यूशन बता देगा। चरण आठ, जब डॉक्टर से जांच कराने की बारी आती है तो रोगी का नाम पीएसएस द्वारा पुकारा जाता है। सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, जब डॉक्टर की जाँच जब वो मरीज को दिखाना आता है तो हमें रोगी के नाम से बुलाना चाहिए या रोगी का नाम या पिता का नाम हमें बुलाना चाहिए ताकि मरीज समझ जाए। चरण नौ, वार्ड बॉय या रोगी परिचारक की मदद से रोगी के लॉबी या ओपीडी कक्ष में लाया जाए। विकलांग व्यक्ति को एक वार्ड बॉय की सहायता से हमें लॉबी से ओपीडी कक्ष में लाना चाहिए डॉक्टर को दिखाने के लिए, और रोगी के वो पिछले उपचार फाइल वर्तमान ओपीडी फाइल के साथ 2 से 3 ओपीडी खाली सीट संलग्न करें। यानी जो भी रोगी आया है उसकी फाइल तैयार की है हमने, एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क ने जो फाइल तैयार की है उसको और वर्तमान ओपीडी फाइल जो तैयार है उन दोनों तीनों को एक साथ ले जाके डॉक्टर के पास रख देना चाहिए। चरण 10, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बातचीत के दौरान मरीज या रिश्तेदारों के बीच कोई व्यवधान न हो। जो भी हम डॉक्टर को दिखा रहे हैं या मरीज के रिश्तेदारों को कोई भी व्यवधान हो उसका सोल्यूशन हमें करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें ओपीडी कक्ष से बाहर नहीं जाना चाहिए। जब डॉक्टर दिखा रहा डॉक्टर देख रहा हो तो हमें ओपीडी कक्ष से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें ओपीडी परिचारक बनना है, क्योंकि हमें ओपीडी का एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क बनना है। नोट, हम रोगी गोपनीयता नीति का ध्यान रखना है जिसमें चिकित्सा द्वारा रोगी की जाँच करते हैं। समय केवल चिकित्सा, ओपीडी परिचारक, ओपीडी बहन की ही कक्ष में उपस्थित रहेंगे। चरण 11, यदि रोगी महिला है तो किसी भी पुरुष को ओपीडी कक्ष में उपस्थित होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यदि महिला ओपीडी में हम महिला को दिखा रहे हैं तो हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को किसी भी पुरुष को उसके एंट्री नहीं देनी चाहिए। अब दूसरा है आंतरिक रोग विकास प्रबंधन। हमने देखा एक ओपीडी फ्रंट डेस्क पे कैसे काम किया जाता है, अब है आईपीडी आउट इनपुट पेशेंट डिपार्टमेंट, कैसे प्रबंधन किया जाता है, कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में हम जानेंगे। एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को क्या क्या कार्य करना होता है। आंतरिक रोगी विभाग चरण पर, जब हम इस बात की पुष्टि मिलती है कि एक मरीज हमारे अस्पताल परिसर में आपदा स्थिति में आ गया है तो हम सबसे पहले वार्ड बॉय या मरीज के परिचारकों को कॉल करते हुए हैं कि मरीज को एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर शिफ्ट किया जाए। हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को जो अस्पताल में मरीज आया है, आपदा स्थिति में जो मरीज आया, सबसे पहला कार्य हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क का ये है कि मरीज को लाने के लिए एक वार्ड बॉय को कॉल किया जाए और एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर लेके उसको मरीज को इमरजेंसी में शिफ्ट किया जाए। दूसरा, मेडिकल ऑफिसर को कॉल करें। फिर हमें दूसरा काम क्या करना है, मेडिकल जो ऑफिसर हैं डॉक्टर हैं उसको हमें कॉल करना है। तीसरा है, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी रोगी की जाँच करने के बाद उससे पूछे कि हमें रोगी को कहाँ शिफ्ट करना है। जैसे ही डॉक्टर ने देखा डॉक्टर से पूछ लेना है कि हमें अब मरीज को कौन से वार्ड में या कौन सी डिपार्टमेंट में हमें इसको शिफ्ट करना है, किसकी फाइल हमें तैयार करनी है, इसके एक फ्रंट डेस्क को पता होना चाहिए। चौथा, आराम आमतौर पर हमें मरीज को रिकवर वार्ड या आईसीयू में शिफ्ट करें। सबसे पहले आमतौर पर मरीज को हमें कहाँ करना है, रिकवरी वार्ड में या आईसीयू के अंडर शिफ्ट करना है। आपातकालीन स्थिति में जो मरीज आता है वो हमेशा रिकवरी वार्ड में या आईसीयू में ही शिफ्ट किया जाता है, और मरीज के लिए इस तरह होने के बाद ही हम मरीज के संबंधित वार्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए। जैसे मरीज स्थिति में अच्छा स्थिति में हो गया हमें फिर उसको वार्ड में शिफ्ट कर देना चाहिए। चरण 5, पीएमओ प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर, आरएमओ रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, एसएसएमओ सोशल मेडिकल ऑफिसर के साथ परामर्श, उसकी अनुमति के बाद हमें आईपीडी रजिस्टर में और हमारे सॉफ्टवेयर पर रोगी का पंजीकरण करना होगा। जैसे ही हमने पीएमओ या आरएमओ या जो आर वो एसएमओ होता है उसके परामर्श के अनुसार ही हमें आईपीडी फाइल तैयार करनी होती है और मरीज का उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। चरण 6,
एक फाइल बनाएं और रोगी का विवरण कर भरें। जो हमने फाइल लेना है और उसका रोगी के जो विवरण है हमें उसको भरना है। सबसे पहले क्या करना है, रोगी का नाम लिखना है, उसका निवास का पता लिखना है, रोगी की देखभाल करने वाला कार्य क्या होता है वो लिखना है, और मोबाइल अंक, जो मोबाइल अंक है उसके मोबाइल है वो लिखना है। स्टेप सात में क्या करना है, रोगी की सहमति फार्म भरें। अब रोगी की एक सहमति कंसेंट फॉर्म होती है, वो कंसेंट फॉर्म भराना चाहिए। हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क का पहला कार्य होता है उसकी सहमति फॉर्म को भराना, वो कार्य पहले करना चाहिए। या तो मरीज स्वयं भर सकता है या मरीज के रिश्तेदार से वो फॉर्म भराना है, उसे उस पर सिग्नेचर और लेफ्ट थंब का अंगूठा लगवाना होता है। उन्हें फॉर्म का उद्देश्य अर्थ बताने के बाद रोगी के रिश्तेदारों से उसे पर हस्ताक्षर करवाने चाहिए। हमें पूरा विवरण बताना है कि हमें फॉर्म क्यों भरना है, उसे पर साइन क्यों करना चाहिए, और मरीज को या मरीज के रिश्तेदार को बताना चाहिए कि हम जो ये फॉर्म भर रहे हैं, ये सिग्नेचर करा रहे हैं, इससे हमें आपको सारी प्रक्रिया मरीज को एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क को बताना होता है। चरण आठ, मरीज की फाइल के संबंधित वार्ड में भेज जाया जाए, चिकित्सा अधिकारी ने मरीज की शिफ्ट करने के लिए कहा है। अब जो मरीज की फाइल हमने एक हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क पर तैयार की है, उसको हमें वार्ड में भेज देना चाहिए और डॉक्टर के परामर्श से हमें उसको मरीज को शिफ्ट कर देना चाहिए। चरण नाइन, हमें यह पुष्टि करनी होगी कि रोगी की फाइल संबंधित वार्ड के RMO को टेलीफोन पर बातचीत से प्राप्त हुई है। हमें यह भी पुष्टि करनी है कि रोगी की जो फाइल हमने तैयार की है RMO के द्वारा किया गया है और टेलीफोन फोन पर बातचीत हुई है। सारी विवरण हमें लिख के ये चीज़ फाइल में एंट्री करके भेजना होता है। आंतरिक रोग विभाग प्रबंधन के कितने चरणों में विभाजित किया गया है, जैसे अभी हमने पढ़ा IPD विभाग जो प्रबंधन है, हमें कितने चरणों में इसको समझाया है, कितने चरण होते हैं जिनको समझा सकते हैं। पहला है आठ, ब है छः, स है नौ, द है सात। तो हमने इसे नौ चरणों में आपको समझाया है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब या लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।